लॉस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ स्मेल एक ऐसी समस्या है जो आपको इस संसार के, समाज के खूबसूरत एहसासों से दूर रख देती है, क्योंकि जब आपको स्मेल नहीं होती तो आपको सुगंध नहीं आती, और आपको एक चीज़ याद आती, फूल यानी फ्लावर्स, उनकी सुगंध आपको याद जरूर आती लेकिन आप ले नहीं पाते। आज हम आपको बताएंगे कुछ सिम्टम और कुछ उसके निदान जो आपको ये समाज में जो सुगंध है, वातावरण में जो सुगंध है, एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, इसको भी आप ग्रहण करके अपने को अच्छा महसूस करने के फील गुड में ला सकें। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ स्मेल की। तमाम साथी हमारे क्लिनिक पर आते हैं, मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं सुंघाई नहीं देता, तो यह किसी चीज़ की महक ना आना, यह एक बीमारी होती है और आज हम चर्चा करेंगे इसकी, बताएंगे आपको कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके इस समस्या में आपकी मदद करेंगी। लॉस ऑफ स्मेल बेसिकली साथियों दो प्रकार की होती है, एक होती है हाइपोस्मिया और एक होती है एनोस्मिया। हाइपोस्मिया तब होती है जब आपका पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल होता है, और एनोस्मिया होती है जब आपको कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल होता है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम की। सिम्टम साथियों यही है कि आपको जब सुंघाई ना दे, महक ना आए, तो वही आपके लॉस ऑफ स्मेल का सिम्टम होता है। बात कर लेते हैं साथियों कारण की। कारण इसके तमाम होते हैं। यंग एज की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो आपकी जो स्टफ़ी नोज रहती है, नाक बंद रहती है, तब आपको महक नहीं आती है, क्योंकि जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, वह रिसेप्टर्स जो आपके स्मेल को, जो ब्रेन तक उस मैसेज को पहुँचाते हैं, वह ठीक से वर्क नहीं करते, आपकी नोज स्टफ़ी हो जाती है। इसके अलावा साथियों तमाम एज रिलेटेड कारण होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स और तमाम पार्किंसंस, इस तरह के कारण होते हैं। उसके अलावा जब आपके पॉलिप वगैरह नाक में हो जाता है, नोज़ ब्लॉक हो जाती है, वह सारे कारण होते हैं। तो कारण है लेकिन उसका समाधान है, हम आपको बताते हैं एनोस्मिया को ठीक करने की, महक को ना सुंघाई आपको दे के आनंद पाने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन साथियों दवाएं बताने से पहले बताना चाहेंगे कि कभी कभी सुंघाई ना देना एक क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकती है, उसके पीछे कोई अंडरलिंग कॉज बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ले, जो अपने मन से कोई दवा ना ले। चलते हैं साथियों सफ़र पर, जिस पर आपको बताते हैं सुंघाई न देने, ना स्मेल ना आने की समस्या को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को यह लगता है नाक के बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन में यहाँ पे कुछ क्रॉल कर रहा है और आपकी लॉस ऑफ स्मेल जा रही है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली आयोडेटम। आप काली आयोड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपको आराम देगी, और आपका जो क्रॉलिंग सेंसेशन है रूट ऑफ नोज में, उसको भी ख़त्म करके आपको बेहतर स्वास्थ्य में लाएगी। यदि साथियों आपको नज़ला बना रहता है और आपको महक नहीं सुंघाई देती, नाक से हमेशा बलगम निकला करता है पीले रंग का, तो उस स्थिति को ठीक करने की, उस डिस्चार्जे जो होते रहते हैं नोज से और बिल्कुल आपको सुंघाई ना देने की, बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में सेलिसिया। आप सेलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा लेने से आपका सारा नज़ला बह जाएगा, आपकी साइनस की दिक्कत भी सही होगी और आपको सुंघाई देने लगेगा। यदि साथियों आपको साइनोसाइटिस की शिकायत है और आपको सुंघाई नहीं देता है, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको साइनस की दिक्कत हो, उसके पीले रंग की नोज़ी बहती हो, बलगम आता हो, और वहाँ जो बलगम आता है नाक से उसको आप तार के फॉर्म में खींच सकते हो, तो अगर यह स्थिति हो तो बहुत अच्छी दवा है सुंघाई ना देने की, महक ना आने की काली बाइक्रोम। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में यह दवा लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों लॉस ऑफ स्मेल में आती है कि आपको लॉस ऑफ स्मेल है, साथ में जो आपको यूरिन या पेशाब हो रही बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो रही है, तो अगर आपके यह स्थिति है कि यूरिन आपकी बहुत ऑफेंसिव है, बहुत बदबूदार है और कंसंट्रेटेड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी बहुत ज़्यादा है और आपको लॉस ऑफ स्मेल हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिड बेंजोइकम।
आप एसिड बेंच 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके यूरिन के ऑफेंसिव ऑर्डर को भी ख़त्म करेगी और साथ में आपके लॉस ऑफ स्मेल को भी ठीक करके आपको आनंद के भाव में लाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी की नाक में बिल्कुल रूखापन है, अगर उसकी नेसल म्यूकस पूरी तरह ड्राई है और उसको सूंघाई नहीं पड़ रहा है और कुछ क्रॉलिंग सेंसेशन ऐसा है, लगता है नाक में कुछ दौड़ता रेंगता रहता है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नैट्रम म्यूरेटिकम। आप नैट्रम म्यूर 1 mg/hour की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपकी नोज़ की ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगी और आपको जो महक नहीं आ रही है, सुगंध दुर्गंध नहीं आ रही है, उसको भी ठीक करके आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है फ्रंटल साइनस की, तो अगर आपके फ्रंटल साइनस है, एक्सरे में आ जाता है और आपको लॉस ऑफ स्मेल हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्यूप्रम मिटैलिकम। आप क्यूप्रम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी स्मेल को वापस लाएगी और आपके फ्रंटल साइनस को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी के नाक में नेसल पॉलिप है और उसको सूंघाई नहीं देता, तो अगर नेसल पॉलिप हैं आपके जो एक्सरे में डायग्नोज हुए या डॉक्टर ने कहा है और आपको सूंघाई नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लेमना माइनर। आप लेमना माइनर का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम आधे कप पानी में पी सकते हैं। इससे आपको सूंघाई भी अच्छा देगा और आपको महसूस भी अच्छा होगा, तो बहुत कारगर दवा है ये नेसल पॉलिप की भी और नेसल पॉलिप के कारण महक या दुर्गंध ना आने की भी। एक इसकी स्थिति आती है साथियों की नोज़ बहुत ज़्यादा सूख गई है, तो अगर ड्राइनेस ऑफ नोज़ है आपका, तो उस स्थिति में आपकी लॉस ऑफ स्मेल को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है मिजेरियम। आप मिजेरियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। साथ में आप नैट्रम म्यूर की भी 1 खुराक ले सकते हैं हफ्ते में 1 बार। यह आपकी ड्राइनेस ऑफ नोज़ को ख़त्म करेगी और आपके लॉस ऑफ स्मेल को ख़त्म करके आपको बढ़िया सुगंध या दुर्गंध दोनों चीज़ प्रदान करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि सुंघाई न देने के साथ साथ स्वाद भी ना आना महसूस होना, तो अगर आपको सुंघाई नहीं दे रहा है, स्मेल नहीं आ रही, साथ में आपको टेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। आप पल्सेटिला 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा लेने से आपको सुंघाई भी देने लगेगा और आपको जो है टेस्ट है लॉस ऑफ वो भी आपको आने लगेगा। एक स्थिति साथियों आती है डीएनएस की, डेविएटेड नेसल सेप्टम की, तो अगर आपकी नोज़ में डिफॉर्मिटी है, नेसल डेविएट है या कोई डिफॉर्मिटी है और आपको सुंघाई नहीं पड़ रहा, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ऑरम मिटैलिकम। आप ऑरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस दवा के इस्तेमाल से आपको सुंघाई भी देगा और आपका लगे हाथ जो ये डिफॉर्मिटी है आपके नोज़ की वह भी ख़त्म हो जाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जो आपके नोज़ है इसके पॉइंट्स क्रैक होने लगे और आपको सुंघाई नहीं पड़ रहा, तो अगर यह सिम्टम हो जहाँ पे आपकी नोज़ की स्किन क्रैक्ड हो और आपको सुंघाई ना पड़ रहा हो, लॉस ऑफ स्मेल हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एलुमिना। एलुमिना साथियों क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत अच्छी दवा है, उस स्थिति में जब आपको स्टूल का पहला पार्ट हार्ड आता हो फिर स्टूल सॉफ्ट हो जाता हो, तो एलुमिना आपको ठीक करेगी और एलुमिना के मरीज को ठंडक बहुत लगती है, तो अगर यह सिम्टम हो तो एलुमिना आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। ये साथियों कुछ दवाएं थी लॉस ऑफ स्मेल की। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछ कर ही लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिएगा क्वेरी, हमें कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लगे आपको समाज की मुश्किलें इस वीडियो से आसान हो सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।